गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, सुबह 8 बजे उठ गया था। और उठ के देखो रेडी वेडी भी हो गया हूँ पूरी तरह। मम्मी आज चौंक गई, कह रही आज तो इतनी जल्दी कैसे उठ। तो आज मैं इतनी जल्दी इसलिए उठा क्योंकि मेरे को जाना है एक जगह इंटरव्यू देने। सो दैट्स वाई मैं अच्छी तरह रेडी वेडी हो गया हूँ, नहा धो के प्रॉपर। और अब मैं निकलूँगा थोड़ी देर में इंटरव्यू देने। कन्फ्यूज़न है यार, मैं सोच रहा हूँ स्कूटी से जाऊँ या मेट्रो से जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। स्कूटी से जाता हूँ तो गर्मी लगती है और धूप इतनी होती है कि ट्रैफिक इतना, समझ ही सकते हो दिल्ली का ट्रैफिक कैसा होता है। और बाकी मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है कैसे जाऊँ। मेट्रो से जाऊँगा तो आराम से बैठ के या खड़े होके गाने सुनते जा सकता हूँ। स्कूटी में ये है जल्दी पहुँच जाएंगे, चलो देखते हैं जैसे भी जाएंगे। फाइनली पहुंच गया मैं मेट्रो स्टेशन, अभी लेते हैं टिकट। पहुंच तो गया, अब एड्रेस ढूंढना है यहाँ पे कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। सो देखते हैं कहाँ पे, पहले बाहर निकल जाऊँ यहाँ से। अभी तो बाहर ही निकल रहा हूँ, अभी भी मेट्रो से निकलूँ, ढूंढते हैं कहाँ पे एड्रेस। पहुँच गए भाई, बाहर भी पहुँच गए। अब एड्रेस ढूंढना है, पता नहीं कहाँ पे है। हाँ भाई फाइनली मेरे को एड्रेस तो मिल गया और मैं पहुँच गया हूँ 7th फ्लोर। हाँ भाई एड्रेस मिल गया, एड्रेस 709। साहब हो चुका है इंटरव्यू, और यहाँ से भी ठुकराए जा चुके, ठुकराए नहीं एक्चुअली मैं इस जॉब के नहीं, ये जॉब मेरे लिए कैपेबल नहीं थी बिकॉज ये काफ़ी कम सैलरी दे रहे हैं। सो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है इतनी कम सैलरी में जॉब करना। सो मिल गई है लिफ्ट, हम चलते हैं नीचे। तो मैं कह रहा था ये काफ़ी कम सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे जो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है इतनी दूर आना और इतनी कम सैलरी में जॉब करना। तो यहाँ से भी मतलब कि बात नहीं बनी और अब हम चलते हैं वापस घर। इतनी दूर आना बेकार हुआ, किराया भी लगा। और यार पता नहीं किस्मत में क्या है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भाई साहब अब हम जा रहे हैं अपने घर फाइनली, थक हार के ये समझ लो यहाँ पे आए। और समझ लो यहाँ पे आना बेकार ही हुआ, बस घूमने आए और यहाँ की इतनी सारी बिल्डिंगें देखने तो फ़ायदा नहीं हुआ। पहले ये होता था कि मैं जॉब के लिए कैपेबल नहीं होता था, लेकिन अब ये होता है कि जॉब मेरे लिए कैपेबल नहीं होती है। कोई नहीं, ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ये देखो बिल्डिंग है, देखो तुम यहाँ की। हाँ आज सीपी ही घुमा देता हूँ तुम्हें, चलो सीपी में भटक लेते हैं पैदल पैदल। यार घर पे जाके भी क्या ही करना है, बोर ही होते हैं घर जाके भी, तो यहीं भटकते हैं। अब वहाँ से मुझे राइट मुड़ना है, इधर उधर नहीं जाऊंगा यार, भटक जाऊंगा। ये भूल भुलैया सी है, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाऊंगा, वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाऊंगा। नहीं सॉरी, राइट राइट मुड़ना है वहाँ से। सो रोड क्रॉस करेंगे यार, मैंने कहाँ से रोड क्रॉस किया था भूल गया। हाँ वहाँ से रोड क्रॉस किया था, ये देखो इतना प्यारा व्यू आता है यहाँ पे यार। हशिकनू तो का मिल गया हिर सलेटी तो, ओ अपनी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ गाइस थक गया मैं कसम से, और अभी तो धूप ही नहीं हो रही कुछ भी, अभी तो ठीक है। जब धूप होगी ना तगड़ी वाली तब देखना भाई साहब, तब तो ऐसे पसीना टपकेंगे ना, ऐसे पसीने टपकेंगे पूछो मत। भाई साहब ये आ गया सेंट्रल पार्क, इसमें सिर्फ कपल्स ही मिलेंगे तुम्हें,
हर कोने हर झाड़ियों में कपल्स ही कपल्स मिलते हैं, तो मैं यहाँ चलूँगा अकेले, और ना अकेले बैठूँगा, देखते क्या कि क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ सिर्फ कपल्स ही कपल्स है भाई, सिर्फ कपल्स। पीछे भी एक कपल है, हर जगह कपल्स ही कपल्स, तो पूरे सिटी कपल्स के लिए। ये क्या हो गया यार भाई, इसका पता नहीं गेट कहाँ गया सेंट्रल पार्क का। मैं घूम रहा हूँ तब से, गेट ही नहीं मिल रहा। अंदर जाना है मेरे को, मुझे लग रहा पार्क भी कह रहा है कि यार तू सिंगल है, क्या करेगा अंदर आके, कपल्स के लिए एंट्री है सर। कूद काद के चला जाऊँगा मैं फाइनल। अबे यार मुझे लगा गेट मिल गया, नहीं मिला लेकिन गेट, ये गेट नहीं है, पता नहीं गेट कहाँ है यार इसका। पालिका बाजार में ही चले गए, क्या मिल जाए यार, गेट कहाँ है यार, गेट नहीं मिल रहा इसका यार, कहाँ गया पता नहीं। ये आई थिंक मिल गया भाई, फाइनली गेट मिल गया। देखो इतना घूमने के बाद मुझे यहाँ का गेट मिला है, अब आपको अच्छी सी जगह मिल जाए बस बैठने के लिए। सारी जगह तो रिजर्व है यहाँ पे यार, सब जगह तो कपल से कपल बैठे हुए हैं। इतना प्यारा व्यू है यार, ये देखो यहाँ पे ना कोई कुछ तो फंक्शन वंक्शन कुछ तो हुआ होगा तभी ये लगा है। चलो हम कुछ जगह ढूंढते हैं यहाँ पे बैठने की अच्छी सी। कैबिन्स देख रहे हो यहाँ, दिल्ली सरकार ना यहाँ पे आने वाले कपल्स के लिए बनवा रही है। देखो खामा का बेचारे, अब गर्मियाँ आ रही है ना, धूप पड़ा करेगी तो कपल्स को धूप में बैठना ना पड़े, और वो प्राइवेटली अपनी सारी बातें, हाँ सिर्फ बातें यार, वो इन कैबिन्स में कर सके, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ कैबिन बनवा रही है। ठीक है तो देख लो यार, देख लो कपल्स, सारी न्यू यूथ देख लो, दिल्ली गवर्नमेंट तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और यहाँ तक यही सीमित नहीं है, यहाँ पे इन कैबिन्स में एसी भी लगने वाले हैं, तो अब तो भाई ऐश, ओयो जाने की जरूरत ही नहीं है, ओयो का खर्चा बचेगा तुम्हारा, यहीं पे आना। ठीक है एक सेकंड यार, मम्मी की कॉल आ रही है, फ़ोन उठा लूँ। चलो भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे लड़कियाँ बड़े चाव से गोलगप्पे खाती हैं ना, तुम दिखाता हूँ कहाँ से आता है वो पानी तुम्हें। ब्रोमैंस देखो, मैं दिखाता हूँ लड़कियों के गोलगप्पे का पानी कहाँ से जाता है, रुको। हाँ तो भाई ये देख लो, अनलिमिटेड गोलगप्पे का पानी है, अनलिमिटेड। सो अगर कोई गर्ल इंटरेस्टेड हो गोलगप्पे खाने में, सो वो सेंट्रल पार्क आ सकती है, इंडिया गेट, और अनलिमिटेड गोलगप्पे का पानी खा। पता है अकेले आने का भी एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे, जो गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है, अकेले आओ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। बस सोच रहा हूँ कि इतनी गर्मी में भी लोग कैसे कैसे भी? चलो कोई नहीं, अब गवर्नमेंट कम से कम यहाँ कपल्स के लिए कैबिन बनवा रही है, उसमें एसी भी लगेंगे, फिर कपल्स उन कैबिन्स में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आज सिर्फ बातें कर सकते हैं। सो लेट्स सी, गर्मी आने वाली है, अब किसी को खुले में झाड़ियों में नहीं रहना पड़ेगा, सबके लिए कैबिन बनेंगे। भाई मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और भाई आके मेरे से पूछ रहा फ़ोटो खींचनी है पकी। भाई मैं फ़ोटो खिंचवा के करूँगा क्या, ये बताओ। मेरे पास फ़ोन है, मेरे को खींचनी होगी, मैं खुद खींच लूँगा, वो भी अकेले हूँ, क्या करूँगा फ़ोटो खिंचवा के। भाई अगर तुम यहाँ आते हो ना अकेले, चलो गर्लफ्रेंड के साथ भी आते हो, तो भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कोई शांत शांत सी जगह मिलेगी, और ठंडक वाली छांव वाली भाई नामुमकिन है यहाँ आके जगह ढूंढ पाना, नामुमकिन। मैं तब से घूम रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को कोई जगह नहीं मिली बैठने लायक जहाँ पे छांव हो ठंडक हो, कोई जगह नहीं है, सारी जगह कपल्स ने घेरी हुई है भाई, सारी जगह। ये देखो तुम व्यू देखो, पता है जब मैं मेट्रो में था और उधर घूम रहा था, तो मेरे को ना शूट करने में हेजिटेशन हो रही थी, इस भाई को देखो झाड़ियों में बैठा हुआ,
जगह छोड़ दो यार हमारे लिए भी। हमारे को ना हेजिटेशन हो रही थी शूट करने में, काफ़ी सारी पब्लिक थी, लेकिन यहाँ नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे तो आते ही सारे वो उसी कैटेगरी के लोग हैं। सो यहाँ पे मेरे को अभी से हेजिटेशन नहीं हो रही, मैं बस यहाँ पर जगह ढूंढ रहा हूँ। सॉरी, तो यहाँ पे सारी जगह भाई कपल्स ने घेरी हुई है, बैठने की जगह भी, खड़े होने की जगह भी, सब। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्यों आ गया यहाँ पे। भाई कपड़े भी पड़े, क्या गलत काम नहीं, सिर्फ जैकेट पड़ी है। चलो यार भाई, मेरे को ना दूर से एक जगह मिली थी, ये देखो यहाँ पे छाँव वाली, यहाँ भी लोग आके बैठ गए। फाइनली ना मुझे एक जगह मिल गई है बैठने लायक, देखो छाँव में इतनी प्यारी सी जगह है, इतनी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है कसम से। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर में ही बैठूँ, मन कर रहा है सो जाऊँ, लेकिन वाइट शर्ट है गंदी हो जाएगी तो मैं सो नहीं सकता। थोड़ी देर बैठूँगा यार अकेले, अकेले बैठने में मज़े आते हैं। फिर जाएंगे घर। I've never been to Paris in the spring. I've never seen raindrops on your skin. But if there's a place where love could swim, I know the name of the river. I've never been to Paris in the spring. I've never seen what everyone else has seen. But I can see your faces in my dreams. भाई मुझे यहाँ बैठे बैठे 2-3 घंटे हो गए और टाइम हो रहा है 2:15, लेकिन ना उठने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। अब लगने लगी है भूख, तो अब चला जाएगा घर, लेकिन मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। चलते हैं लेकिन थोड़ी देर में घर चलेंगे। सो भाई मेरे को बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, 2:30 बज गया और अब मुझे लग रही है भूख, अब चलते हैं घर। ठीक है, ये है हमारा गेट, यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकल के यार इतनी आसानी से ना मेट्रो नहीं मिलती, मेट्रो का गेट नहीं मिलता, अब ढूंढना पड़ेगा वो। मुझे बड़ी तेज़ भूख, अगर बाहर कुछ मिलता है तो बाहर से कुछ लेके खाएंगे, नहीं तो फिर सीधा घर जाएंगे, अगर जाके कुछ खाएंगे। अब यहाँ मेट्रो का गेट कहाँ गया, वो रहा शायद, रोड क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ बस मेट्रो गेट मिल जाए। नथिंग मिल गया। मिल गया भाई, मिल गया भाई, मिल गया। मिल गया भाई मुझे मेट्रो का गेट, मिल गया। फाइनली मेट्रो की एंट्री तो मुझे मिल गई है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. All is said and done. Oh.
my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. तो फाइनली भाई मैं उत्तम नगर पहुँच गया, मतलब अपने घर पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे। मैं यहाँ से फटाफट नीचे उतरता हूँ और घर जाना है यार, भूख लग रही है बहुत तेज़, बेहद तगड़े वाली। यार अजीब है, जाने ऊपर जाने के लिए एक्सेलेरेटर लगा रखा है और सॉरी एलिवेटर, आने के लिए कुछ नहीं है यार। तो नीचे तो उतर गया मैं, तो यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा। भाई साहब बाहर आते ही पता चल रहा है इतनी तगड़ी धूप है बाहर, सीधा मुंह पे लग रही है, अब यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा। फिर घर पहुँचेंगे, फिर कुछ खाएंगे। थक गया यार, लेकिन मज़ा आ रहा था वहाँ बैठने में यार, अच्छा लग रहा था वहाँ बैठे बैठे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, लेकिन फिर भी यार आ गया। एक बंदा पीछे आ रहा क्या था, फ़ोन वोन लेके भागे कोई। चलो कोई नहीं, बंद कर लेते हैं तब तक। पहुँच गए घर पे, बस थोड़ी दूर पैदल और चलना है फिर पहुँच जाएंगे हम। अरे किसका मैसेज आ रहा है मुझे, जब से नहीं आया अब मैसेज आ रहा है घर आते ही। दूसरा मैसेज, इतना तो चला भी नहीं हुआ जितने मेरे पैर दुख रहे हैं, या फिर शायद वहाँ इतना चल लिया कि पता नहीं चला मुझे कि कितना चल लिया ना। और ये देखो मेरी प्यारी, मेरी जान खड़ी हुई है यहाँ पे, देखो मेरी जान है ये। इसको भी थोड़े टाइम बाद ठीक कराऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए इसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं, थोड़े टाइम बाद इसको ठीक कराऊंगा, एकदम चकाचक बना दूंगा इसको। अभी फटाफट घर पहुंचता हूं और कुछ खाता हूं यार। मेरे लिए भाई घर पहुंच गए यार। क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई है? कोई आया ना आया, तू पहले आया कर। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, बड़ा थका थका फील हो रहा है यार। पहले तो पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है, और अब खाऊंगा खाना, भूख लग रही है बहुत तेज। कसम से वैसे ना मन नहीं कर रहा था मेरा वहां से आने का, सेंट्रल पार्क से इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना, लेकिन क्या करे, भूख के आगे किसी की नहीं चलती और ना मन की चलती, तो अब भूख लग रही है, खाना खाते हैं। तो गाइस खाना तो मैंने खा लिया और अब बड़ी थकावट सी फील हो रही है, नींद आ रही है। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सबको तो मज़ा आया ही हो, मुझे तो जॉब मिली नहीं, कम से कम तुम्हें तो मज़ा आए। तो टाटा बाय बाय, सी यू, अस्तु ला विस्तु ला बेबे। और हाँ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़। कौन सा तुमसे पैसे ले रहा हूँ मैं लाइक से सब्सक्राइब करने के, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, कर दो यार फ्री में है, थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाओ यार प्लीज़। ऐसे करोगे यार प्लीज़ यार, मेरे भाई नहीं कर दिया करो, ठीक है? चलो ठीक है बाय। कसम है तुम्हें अपनी अपनी मम्मी की, सब्सक्राइब कर देना, अब कसम दे दिया करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है बाय।